दोस्तों फिर से एक बार आप सबका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के शुरू में मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ मुंबई इंडियंस वर्सेस बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स के बीच की 10 ड्रिबलियन की विनिंग टिप्स। दोस्तों एक उसके साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स भी देता रहूँगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको कौन सी टीम कैसे लगानी है और क्या टिप्स मैं दूंगा, वो भी ध्यान से सुनते रहिए। तो चलिए यहाँ पर मैंने जैसे कि मैच को हाईलाइट करके दिखा दिया था, आपको वहाँ पे क्लिक कर लेनी है। और अगर आपने अब तक टीम नहीं बनाई तो कोई बात नहीं, नीचे आपको क्रिएट अ टीम का ऑप्शन मिलता है और साथ साथ आपको माय टीम पर जाके भी आप क्रिएट अ टीम कर सकते हैं। और यहाँ पर मल्टीपल टीम बनाना थोड़ा आसान होता है, तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी 10 टीम्स बना के रख चुका हूँ, जो एक एक करके सभी टीमें मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाऊंगा किस किस को लेना है, किस किस को नहीं लेना है, कैप्टन वाइस कैप्टन किससे बना सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाए, ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक करना ना भूलिए। वीडियो को शुरू करते हैं, माय टीम पर क्लिक करके पहली टीम में आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी काफ़ी तगड़ी है, दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बैट्समैन है, लेकिन हम ऑलराउंडर भी अच्छे खासे, गेंदबाज भी काफ़ी अच्छे अच्छे। यहाँ पर मैं पहले तो ईशान किशन को ले लूँगा। हाँ, यहाँ पर कीपिंग में दो ही ऑप्शन है, या तो दिनेश कार्तिक या फिर ईशान किशन, तो ईशान किशन को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, लेकिन कार्तिक को नहीं लेंगे ऐसा तो नहीं रहेगा। यहाँ पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस और सूर्य कुमार यादव, तो इस तरह से चार बल्लेबाज मेरे पास रहने वाले हैं जो बेस्ट हो सकते हैं। उसके बाद मेरे पास ऑलराउंडर भी चार है, मैक्सवेल, हार्दिक पांड्या, कैमरन ग्रीन और शेफर्ड। शेफर्ड ने जो पिछले मैच में लास्ट ओवर में 32 रन बनाए थे दिल्ली के खिलाफ, तो वो काफ़ी खतरनाक मुझे लग रहा है, तो उनको रखना पड़ेगा। बुमराह को यहाँ पर लूँगा और टॉपली को लूँगा एज अ गेंदबाज। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया टीम बनी है और यहाँ पर विराट कोहली को कैप्टन और रोहित शर्मा को वाइस कैप्टन, क्योंकि ये दोनों अपने अपने टीमों के लिए सबसे बढ़िया फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के एक अच्छी खासी टीम है, बढ़िया टीम है, ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। इस टीम को बंद करते हैं, दूसरी टीम पर चलते हैं। दूसरी टीम की अगर बात करें तो दिनेश कार्तिक को यहाँ पर ले लूँगा, उसके बाद यहाँ पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा। तिलक वर्मा को कैसे ज़्यादा टीमों से बाहर रख सकते हैं दोस्तों, उनको भी लेना जरूरी है क्योंकि वो भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मैक्सवेल है, हार्दिक पांड्या, कैमरन ग्रीन, शेफर्ड, फिर से चार ऑलराउंडर है जो कि बेस्ट साबित हो सकते हैं। अब मेरे पास एज एक बैट्समैन एक्स्ट्रा लिया है तो एक गेंदबाज कम होने वाला है, तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ बुमराह के साथ जाऊँगा, बाकी किसी और के साथ मैं नहीं जाऊँगा। अगर आपको लगता है तो आप किसी और के साथ भी जा सकते हैं। रोहित शर्मा और फाफ डुप्लेसिस, इस तरह से दोनों को मैंने यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाया जो कि बेस्ट साबित हो सकते हैं आपके लिए। तो कुल मिला के ये भी टीम बहुत ही बढ़िया है, ज़रूर आप यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है। चलिए दोस्तों ये भी टीम क्लोज करते हैं, तीसरी टीम पर चलते हैं। दोस्तों पहली टीम ज़रूर देना चाहूँगा कि आप अगर अब मेरे टीमों में एक दो चेंजेस करके अगर टीमें लगाएंगे तो और भी ज़्यादा फायदा होने के चांसेस है, क्योंकि मैं सभी टीम में अगर आप सभी प्लेयर मतलब लोग सेम टू सेम लगाएंगे तो सब तो जीत नहीं सकते, इसलिए कुछ ना कुछ एक दो चेंजेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको और भी ज़्यादा फायदा हो सके। और यहाँ पर तीसरी टीम की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने दिनेश कार्तिक और ईशान किशन को हर एक को दोनों कीपर को यहाँ पर ले लिया है, क्योंकि दोस्तों हर एक वो मैं आपको टीम देना चाहता हूँ जिससे आप ग्रैंड लीग जीतने के थोड़े भी चांसेस हो, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इस तरह से कर रहा हूँ। रोहित शर्मा है, विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, सूर्य कुमार और टीम डेविड को इस बार ले लूँगा। यहाँ पर तिलक वर्मा की जगह पर मैंने टीम डेविड को शामिल कर लिया है। और यहाँ पर मैं देखेंगे तो मैंने यहाँ पर एक ऑलराउंडर भी कम कर दिया, मैक्सवेल को रहने दिया, कैमरन ग्रीन और शेफर्ड को रहने दिया। यहाँ पर हाँ थोड़ा रिस्की है, लेकिन हार्दिक पांड्या को मैंने ड्रॉप कर दिया है। इसके अलावा मधवाल को एज अ गेंदबाज रखूंगा, बाकी किसी और को नहीं लूंगा। तो थोड़ा अलग टीम बना है, रिस्की भी आप बोल सकते हैं, लेकिन टीम अच्छा है, हो सकता है जो मैंने डिसीजन लिए वो अच्छे पड़ जाए और आपको ग्रैंड लीग जीतने में आसानी हो जाए। फाफ डुप्लेसिस किस तरह के बल्लेबाज आप सबको पता है, तो इनको कैप्टन बना दूंगा। और मैक्सवेल बैटिंग में कुछ खास तो नहीं कर रहे, लेकिन गेंदबाजी में एक हाथ दो विकेट झटक के ले रहे, इसीलिए इनको वाइस कैप्टन भी मैं बना लूँगा। इसके अलावा अगर देखेंगे तो टीम काफ़ी अच्छी है, आप किसी भी लीग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस टीम को भी क्लोज करते हैं, चौथी टीम पर चलते हैं।
चौथी टीम की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे तो मैंने ईशान किशन को ही लिया है, बाकी किसी को नहीं लिया है विकेट कीपिंग में। रोहित शर्मा, विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस और सूर्य कुमार यादव, इस तरह से चार ही बल्लेबाज में इस टीम में रखूँगा। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैक्सवेल और हार्दिक पांड्या दो ही ऑलराउंडर इस टीम में मैं रखूँगा, ताकि मेरे पास गेंदबाजी में ऑप्शन बच जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको और एक टिप दूंगा कि आप हर बार ऑलराउंडर या बैट्सिंग पर ही जोर मत दीजिएगा। काफ़ी बार ऐसा भी हो जाता है कि गेंदबाजी की वजह से गार्डलिक जीत सकते हैं, तो गेंदबाजी भी कहीं कहीं ना कहीं ज़्यादा लेने जरूरी है कुछ कुछ टीमों में। तो यहाँ पर बुमराह, टॉपली, सिराज और नेहवाल मधवाल माफ कीजिएगा, तो इस तरह से चार गेंदबाज भी है, चार बल्लेबाज, दो ऑलराउंडर, ईशान किशन एज ए विकेट कीपर। तो बहुत ही ज़बरदस्त टीम नज़र आ रही है मेरे पास। काफ़ी अच्छे बैट्समैन है, काफ़ी अच्छे बॉलर है, काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर है, सब कुछ है मेरे पास। मैक्सवेल को कैप्टन और हार्दिक को वाइस कैप्टन बना लूँगा। यहाँ पर ज़रूर कहूँगा कि आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं, मैक्सवेल को वाइस कैप्टन और हार्दिक को कैप्टन भी बना सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है इसी तरह से भी रखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों, ये भी टीम काफ़ी बढ़िया, इसे भी क्लोज करते हैं और पांचवी टीम पर चलते हैं किस तरह से हमने बनाई है। अब पांचवी टीम की बात करूँ ना दोस्तों, तो यहाँ पर मैं फिर से ईशान किशन के साथ ही जाऊँगा। यहाँ पर मैं अब रोहित शर्मा, विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, सूर्य कुमार, तिलक वर्मा, फिर से पांच बल्लेबाजों के साथ जाऊँगा, ताकि आपको और भी फायदा हो। ग्रीन, पांड्या और मैक्सवेल, इस तरह से तीन ऑलराउंडर रखूँगा, शेफर्ड को ड्रॉप करूँगा। दोस्तों मैं हर टीम में मतलब शुरुआत से नहीं, शुरुआत की कुछ टीमें काफ़ी सेफ देने की कोशिश करता हूँ, और बाद में की दो चार टीमें जो होते हैं उसमें थोड़ा रिस्की चेंजेस करता रहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बार हार्दिक पांड्या को ड्रॉप किया, अब शेफर्ड को ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि हो सकता है ये हर मैच का बंदा अच्छा ना हो, तो हो सकता है ये आज अच्छा ना खेले, मतलब कल अच्छा ना खेले। टॉपली और मधवाल दो ही यहाँ पर गेंदबाज रखूँगा। टीम बहुत ही अच्छी है, ऐसा नहीं कि हमने ड्रॉप जरूर किया है शेफर्ड को, लेकिन उनकी जगह पे एक एक्स्ट्रा बैट्समैन हमको मिल गया है जो कि और भी अच्छा हो सकता है। ईशान किशन को कैप्टन और विराट कोहली को वाइस कैप्टन बनाऊंगा। दोस्तों मैं एक बात और जरूर बताना चाहूँगा कि मैं हर टीम में आपको एक अलग से कप्तान देने की कोशिश करता हूँ, आपको और भी ज़्यादा ऑप्शन देता हूँ, लेकिन आप ऐसा नहीं है, आपको लगता है विराट कोहली ज़्यादा टीमों में आपको कैप्टन बनाना है तो आप ज़्यादा टीमों में कैप्टन बनाइए, आपको लगता है रोहित शर्मा को ज़्यादा टीमों में वाइस कैप्टन बनाना है तो ज़्यादा टीमों का वाइस कैप्टन बनाइए, ऐसा कुछ नहीं कि आप मेरे कहे अनुसार ही चलेंगे। इसके बाद ये टीम भी बहुत ही बढ़िया, इसे भी आप यूज कर सकते हैं, इस टीम को भी क्लोज करते हैं। छठी टीम पर चलते हैं दोस्तों। अब छठी टीम की बात करें तो फिर से मैं दिनेश कार्तिक के साथ ही जाऊंगा। यहां पर देखेंगे तो क्योंकि हर टीम में मैं अगर ईशान किशन के साथ ही जाऊंगा और दिनेश कार्तिक उससे बेहतर कर जाएंगे तो हमें और नुकसान हो सकता है, तो इसीलिए मैंने ऐसा किया है। तो रोहित शर्मा है, विराट कोहली है और तिलक वर्मा है, इस बार इस टीम में मेरे पास तीन ही बल्लेबाज रहने वाले, उसके अलावा मेरे पास मैक्सवेल, हार्दिक पांड्या और कैमरन ग्रीन, तीनों बेस्ट ऑलराउंडर्स रहेंगे। और यहाँ पर मेरे पास गेंदबाजी में देख सकते हैं बुमराह है, सिराज है, कॉटजी है और ने मधवाल, तो इस तरह से चार गेंदबाज यहाँ पर मेरे पास रहेंगे, चार ऑप्शन रहेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी विकेट ले सकते हैं और काफ़ी फायदा करा के दे सकते हैं। इसके अलावा हार्दिक को कैप्टन और ग्रीन को वाइस कैप्टन बनाऊंगा, जो कि दोनों अच्छे खासे ऑलराउंडर हैं, दोनों अच्छी बैटिंग और दोनों अच्छी बॉलिंग भी कर सकते हैं, जिससे आपको और भी फायदा हो सकता है। तो उल्टा करना चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं, ग्रीन को कैप्टन और हार्दिक को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, लेकिन ग्रीन गेंदबाजी एक दो और कम से कम ले ही लेते हैं, हार्दिक पांड्या का फिक्स नहीं होता, वो भी कभी लेते हैं कभी नहीं लेते, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि पांड्या को अगर कैप्टन रखेंगे तो भी बेहतर है, ग्रीन को रखेंगे तो भी बेहतर है। तो चलिए ये टीम भी अच्छी खासी है, आप जहाँ चाहे यूज करना चाहे कर सकते हैं, इस टीम को भी क्लोज करते हैं। सातवीं टीम पर हमें देखना है आप किस तरह से बनाई हमने। दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहूँगा, मैं हर टीम में आखिर के कुछ दो चार टीमों में थोड़े रिस्की चेंजेस करता हूँ, तो वो आपको ग्रैंडलिक जिताने के लिए करता हूँ। अगर आप चाहे ना करना चाहे तो ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ईशान किशन को ले लिया, रोहित शर्मा, विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, सूर्य कुमार यादव, चार अच्छे खासे बैट्समैन को मैंने यहाँ पर ले लिया। इसके बाद मोहम्मद नबी को भी एक हाथ दो टीमों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बंदा अच्छा है, आपको अच्छा करके दे सकता है। मैक्सवेल है, हार्दिक पांड्या, कैमरन ग्रीन, शेफर्ड, मतलब पांच जो ऑलराउंडर है सभी की सभी पांचों को मैंने इस टीम में रख ले लिया है, जिससे अगर ये पांचों अच्छा कर जाते तो आपको और भी ज़्यादा फायदा हो सकता है। गेंदबाजी में मैं सिर्फ दयाल को लूँगा, इसके अलावा किसी और को नहीं लूँगा, मतलब हर टीम में मैं कुछ ना कुछ ऐसा चेंज करता हूँ दोस्तों, जिससे थोड़ा रिस्की आपको लगेगा लेकिन फ़ायदेमंद साबित हो सकता है।
खास करके लास्ट की दो चार टीमें अगर देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चेंजेस करता हूँ। सूर्य कुमार यादव को कैप्टन, विराट कोहली को वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। सूर्य कुमार यादव हाँ पहला ही मैच खेले थे लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन हम सबको पता है कि T20 स्पेशलिस्ट है, कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं और कहीं भी कितना भी स्कोर हो वो ज़रूर चेस कर सकते, तो इसीलिए इनको भी मैं इस टीम का कैप्टन, और विराट कोहली तो फॉर्म में है ही तो इसलिए इसको इनको वाइस कैप्टन बनाऊँगा। आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे कि विराट कोहली को कैप्टन और सूर्या को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इसी तरह से रखेंगे तो और भी बेटर हो सकता है। इस टीम को भी क्लोज करते हैं, आठवीं टीम पर चलते हैं किस तरह से हमने बनाई है। अब आठवीं टीम की बात करूँ तो फिर से ईशान किशन मेरे पास आ जाएंगे, उसके बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली, डुप्लेसिस, सूर्य कुमार यादव, इस तरह से चार बल्लेबाज फिर से रहेंगे। यहाँ पर नबी, मैक्सवेल, पांड्या और ग्रीन, इस तरह से चार ऑलराउंडर रहेंगे। मतलब ये टीम और भी अलग है, मतलब अभी तक मैंने शायद बैटिंग इतने बैट्समैन और इतने ऑलराउंडर साथ में नहीं लिए थे। डागर को यहाँ पर लूँगा, मधवाल को यहाँ पर लूँगा, दोनों अलग गेंदबाज यहाँ पर लूँगा। हाँ थोड़ा रिस्क है लेकिन हो सकता है कल ये दोनों ज़्यादा विकेट ले लें और को ज़्यादा फायदा करने के लिए, क्योंकि दोस्तों सेम अगर आप सोचिए कि बुमराह अगर वो विकेट लेते भी है तो सबको फायदा होगा, लेकिन ये अगर ज़्यादा विकेट लेते और आप इनको ले लेते तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा और आप ग्रैंडिक जीतने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए मैंने ऐसा किया है। ग्रीन को मैं यहाँ पर कैप्टन बनाने जा रहा हूँ तो वही वाइस कैप्टन रोहित शर्मा को बनाने जा रहा हूँ। आप उल्टा करना चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं, रोहित को कैप्टन और ग्रीन को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। इस टीम को भी अभी क्लोज करते हैं, नवीं टीम पर चल रहा है हमें, वो भी किस तरह से बनाई है वो भी देख लेते हैं। अब नवी टीम में और भी थोड़ी अलग करने जा रहा हूँ, ईशान किशन को एज ए विकेट कीपर तो जरूर लूंगा, लेकिन देखिए विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, सूर्य कुमार यादव, पाटीदार, टीम डेविड, तिलक वर्मा, मतलब जितने भी बैट्समैन बेस्ट बैट्समैन है उन सबको मैंने इस टीम में ले लिया है। यानी कोई भी बल्लेबाजी कर ले आपको फायदा जरूर होने वाला, आपको जरूर पॉइंट मिलने वाले। उसके बाद मैक्सवेल और हार्दिक पांड्या, मतलब यहाँ पर भी मैंने मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, यहाँ पर भी आपके पास मैक्सवेल भी आ जाएंगे और हार्दिक पांड्या भी आ जाएंगे। कैमरन ग्रीन की बात करूँ तो इतना कुछ खास फॉर्म में नहीं है, शेफर्ड की बात करूँ तो एक ही मैच हुआ है तो ज़्यादा हर बार मैच में भरोसा रखना जरूरी नहीं, तो इसीलिए नबी का भी कुछ खास नहीं, तो इसीलिए ये दो जो मेन मुझे लगता है दोनों ऑलराउंडर हमारे पास आ चुके हैं। गेंदबाजी की भी वही बात करूँ तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को जरूर ले लूँगा और यश दयाल को ले लूँगा, तो मतलब यहाँ पर भी दोनों टीमों की तरफ से जो मेन गेंदबाज है वो भी हमारे पास आ चुके हैं। तो एक और बात, अगर यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को कैप्टन बना लूँगा, हो सकता है कल पाँच विकेट ले लें, चार विकेट ले ले, तो वो अगर इनको कैप्टन बना देते हम तो, और ये सच में अगर ज़्यादा विकेट ले तो हमें ज़्यादा फायदा हो सकता है और हम ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। टीम डेविड को वाइस कैप्टन बनाऊंगा, जरूर नहीं चाहते लेकिन एक दो ओवर भी शायद मिल सकते हैं, तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर इनको वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। अगर आप चाहें तो किसी और को भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस तरह से भी कोई थोड़ा सरप्राइजिंग जोड़ी रखना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इस टीम को भी अभी क्लोज करते हैं और दसवीं और आखिरी टीम किस तरह से बनाई है वो भी हमें देख लेना है। अब दसवीं और आखिरी टीम की बात करूं तो यहाँ पर ईशान किशन को ले लिया है फिर से, रोहित शर्मा, विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, तीन ही बल्लेबाज रखूंगा, उसके बाद शेफर्ड, ग्रीन और पांड्या, यहाँ पर मैंने मैक्सवेल को ड्रॉप किया। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे रिस्क बोले या ना बोले मैक्सवेल को ड्रॉप कर सकते हैं, आपको अगर नहीं भी करना तो आप फिर से ले सकते हैं। यहाँ पर पीयूष चावला को मैं ज़्यादा टीमों में नहीं ले पाया एक्चुअली, अगर आप ज़्यादा टीमों में लेना चाहें तो ले सकते हैं। आर टॉपली, मोहम्मद सिराज और कोइट्जे, इस तरह से चार गेंदबाज यहाँ पर है मेरे पास, तो कुल मिला के एक अच्छी खासी टीम लग रही है। मेरे पास तीन बल्लेबाज है, तीन ऑलराउंडर है, चार गेंदबाज है, एक कीपर है, तो एक संतुलित टीम लग रही है। सभी कुछ है, बॉलिंग, बैटिंग, स्टंप, कीपर, सब कुछ है हमारे पास, ऑलराउंडर है, तो एक बढ़िया टीम लग रही है। शेफर्ड को कैप्टन और ग्रीन को वाइस कैप्टन बनाऊंगा, थोड़ा सरप्राइजिंग जरूर है लेकिन अगर ये सच में अगर अच्छा कर जाते तो काफ़ी कम लोग रहेंगे जो इन पर एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टन भरोसा करेंगे, तो इसीलिए मैंने इन दोनों को एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टन बना लिया है। कुल मिला के थोड़ी ज़्यादा रिस्की टीम है लेकिन ज़रूर यूज़ कीजिएगा, बड़ी लीग या ग्रैंड लीग के लिए आपको काफ़ी फ़ायदा करा के दे सकते हैं। तो इस तरह से 10 टीमें मैंने पूरी देने की कोशिश की अच्छे से, ईमानदारी से। मुझे एक बात और ज़रूर बताना चाहूँगा दोस्तों, मुझे कम से कम एक हफ्ता ज़रूर दीजिए, आपको मैं ज़रूर अच्छी खासी अर्निंग करा के देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आई होप आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। साथ ही साथ टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर कुछ भी चेंजेस रहते तो बता सकता हूँ किसे ड्रॉप किया है, उसके जगह किसको लिया गया और
कुछ टीमों के स्क्रीनशॉट भी शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और गुड बाय।